काका हमर विधायक हुए नहीं डरायम हो, ए डबल चोटी वाली तो के टांगल जायम हो। एक गाना आप सबने बड़ा ही सुना होगा, चाचा हमार विधायक हुए ना घबराइब हो, ए डबल चोटी वाली तह के टांग ले जाइब हो। गाना तो बड़ा ही खराब है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको लहक कर वो लौंडे गाते हैं जिनके चाचा मामा ताऊ थोड़े से ताकतवर हो जाते हैं। चाचा विधायक है हमारे, हमारे चाचा विधायक है हमारे। लेकिन मोदी राज और योगी राज की डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें स्त्री सशक्तिकरण भी खूब हुआ है, और उसी का नतीजा है कि अब यह गाना लड़कियों पर भी सेट होने लगा है। जरा इस शादी का सीन देखिए, दुल्हे का चेहरा और दुल्हन का उल्लास, चाचा के रिवाल्वर से दागती है आसमान में यह लड़की, नई नवेली दुल्हन है। बेचारे लड़के का चेहरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि उसके भय की हालत क्या है। जब दागती है वह गोली तो उसको ऐसा लगता है कहीं हमें न ठोंक दे हमारी दुल्हनिया। ऐसा ही नज़ारा है, लेकिन यह तब और बढ़ जाता है जब कानून और व्यवस्था का कोई भय नहीं रहता। मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जहाँ की पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार ग्राम लक्ष्मण का पुरवा में गिरजा शंकर पांडे पुत्र राम नारायण पांडे की पुत्र रूपा पांडे के द्वारा अपनी शादी में चाचा रामवास पांडे पुत्र राम नारायण पांडे की लाइसेंसी रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग की गई थी। यह भी एक अजीबोगरीब शब्द है, हर्ष फायरिंग, हैप्पी फायरिंग जैसी भी कोई चीज होती है, और वह होती है शादी ब्याह के मौके पर। अब तक नाचों में लौंडे लौंडियों के ठुमकों पर गोली लगाते तो बहुत देखा होगा उत्तर प्रदेश वालों ने, लेकिन अपनी शादी में खुद ही बंदूक चला रही है दुल्हनिया। तेरे डायलॉग सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। यह उत्तर प्रदेश का वह विकास है जहां कानून और व्यवस्था और पुलिस का भय जमीन पर धूल चाट रहा है। इस मुकदमे के बाद चाचा जान के रिवाल्वर के लाइसेंस तो कैंसिल होने की बात कही जा रही, लेकिन सवाल यह है कि दुल्हन से हीरोइन बनी इस युवती के अंदर यह भ्रम आया कैसे। जिस विवाह में लोग अक्षत और फूल उड़ेलते हैं, जिस विवाह में लोग शुभ और मुहूर्त खोजते हैं, वहां ये दुल्हनिया बंदूक दाग कर अपने को चौचक चौसर कर रही है। सवाल यह है कि ये मानसिकता कहां से आ रही है और कैसे यह विधायक चचा से लेकर लाइसेंसी चचा तक घूम रही है। क्या यह भविष्य का स्त्री सशक्तिकरण का नया चेहरा है या कुछ और है। लेकिन जैसे जो भी है, स्थिति यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून और थानों और पुलिस का डर जमीन पर धूल चाट रहा है।